सरबत खालसा को लेकर गरमाई सियासत। अकाली दल ने पंथक गुटों की तरफ से सरबत खालसा बुलाए जाने की सार्थकता पर उठाए सवाल। बीजेपी ने बताया अराजकता फैलाने की कोशिश, तो कुछ भी बोलने से बच रही है आप और कांग्रेस। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन सरकार थी जिम्मेदार और जवाबदेह। सेना ने केंद्र के आदेशों के मुताबिक ही की थी कार्रवाई, पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह का दावा। कहा सिख इतिहास से जुड़े सारे दस्तावेज भी सौंप दिए थे आईबी को। 16 अप्रैल को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पंजाब दौरा, मोहाली में पार्टी वर्कर्स से करेंगे मुलाकात। मिशन 2017 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, तैयारियों का भी लेंगे जायजा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मनाने में सरगर्म नजर आई सियासी पार्टियां। अकाली दल का फगवाड़ा में राज्य स्तरीय समारोह, पंजाबी यूनिवर्सिटी में विशेष चेयर और अगले विधानसभा सत्र में 2 दिन बाबा साहब के जीवन को समर्पित करने का ऐलान। पहली बार यूएन में भी अंबेडकर जयंती, बाबा साहब की जन्मस्थली से पीएम ने लॉन्च किया ग्रामोदय से भारत उदय मिशन। रोहतक में बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी नेता कांता आलड़िया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्रों की ऑस्ट्रेलिया में नो एंट्री पर हरकत में आया शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सीमा का ऐलान, विदेश मंत्रालय के पास उठाएंगे मुद्दा, फैसले पर जताई हैरानी। एक फोटो के आधार पर हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने जाट दंगे को बताया बीजेपी और आरएसएस की साजिश। आरोपों को कैप्टन अभिमन्यु ने बताया हास्यास्पद, तो जवाहर यादव ने रिश्ते साबित होने पर दी सियासत छोड़ देने की चुनौती। ₹2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा, पीएम ने लॉन्च किया देश की 585 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने वाला नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। तख्त श्री दमदमा साहिब में 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन। निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने खालसाई शानो शौकत से निकाला महल्ला।